ए जन्म तुम्हारे लिखे कह रविदास आस लग तीमो चर पयो दर्शन देखे हर की वडियाई देखो संतो हो हर निमाणिया मान दवाए ज्यों धरती चरण तले ते ऊपर आवे त्यों नानक साध जना जगत आन सपैरी पाए त्यों नानक साध जना जगत आन सब पैरी पाए काहे मन तू डोलता हर मनसा पूरन हार लाख चौरासी जिन श्री सब सहजे आधार परम सन्मान जोग सतगुरु पातशाह चवर छतर सिंघासन दे मालक जुग जुग अटल सतगुरु धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी दे पावन पवित्र चरण कमलों दे अंदर महापुरख कह लो ब्रह्म ज्ञानी कह लो बाबा जी कह लो साधु कह लो भावे संत कह लो जिन्हें भी उत्तम नाम ने इन्हां महापुरखां दे नाम दे अगे लगाए जा सकदे तिन्हां दे पावन समागमां दे विच गुरु साहब दे चरणां विच आप जी जुड़े हो प्यारिओ साधु जिहड़े ने ओह नाम जपदे आ ते नाम जपाउण वास्ते आउंदे ने दुनिया दे तारण दे वास्ते आउंदे महापुरखां दी याद दे अंदर आप जी गुरु साहब दे चरणां विच जुड़े हो ते थोड़ा जिहा समां आप जी दे नाल गुरमत दीआं विचारां दे नाल आपां सांझ पाउणी यतन करिओ सुरत नूं मन बिरतियां नूं एकागर करके बैठण दा क्योंकि प्यारे महापुरख कहिंदे ने कि जिहड़ा भी कम करन लगे उत्थे हाजिर होना चाहीदा तीन तरह की संगत महापुरख दसदे आ कि तीन तरह की संगत हुंदी है एक नूं ऊंगे कहा जांदा है सूंगे ते चूंगे तीन तरह की संगत है ऊंगे ओह आ जिहड़ी संगत विच प्यारे आण के बैठ ते जांदे ने पर ऊंगदे रहिंदे आ सुस्ती दी पाई ते बैठे रहिंदे उत्थे की वरतदा पिया है केड़ा अमृत जिहड़ा है गुरु साहब दे वल्लों बख्शिश हो रहा है उहदे बारे कोई ज्ञात नहीं हुंदा इदां ही बैठिया समा ऊंगदिया होया लंघ जांदा दूजी संगत जिहड़ी आ उह है प्यारिओ सूंगे इहो जिहे बंदे हुंदे आ जिहड़े सूंघदे रहिंदे आ फलाणा वी आ गया एक बंदा रह गया उह कदों आएगा उह फलाणा की कर रहा उहने किहड़ा सूट पाया उह किहो जिहा लगदा पिया ਉਹ ਸੁੰਘਦੇ ਆ ਬਸ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਤੀਜੀ ਸੰਗਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਉੱਤਮ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੀਸਰੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਚੂੰਘੇ ਇਹ ਉੱਤਮ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰਿਓ ਨਾਮ ਰਸ ਨੂੰ ਚੁੰਘਣ ਵਾਸਤੇ ਮਾਨਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਤੀਸਰੀ ਸੰਗਤ ਬਣਨਾ ਹੈ ਨਾ ਊਂਘੇ ਨਾ ਸੂੰਘੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਣਨਾ ਚੂੰਘੇ ਸੰਗਤ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਚੁੰਘਦੇ ਆ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਪੀਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚਿਮ ਚਿਮ ਵਰਸੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰਾ ਮਨ ਪੀਵੈ ਸੁਣ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਧਾਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਧਾਰਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਵਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਿਆਰੇ ਬਸ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਧਾਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪਿਆਰੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਸੁਣਾਂਗੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਪੀਵੇਗਾ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਮਨ ਪੀਵੇ ਸੁਣ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰਾ ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਥੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹੈ
ते जल्दी आप जो प्यारे ने इशारा कर दिता उदो आप समाप्ति कर देवे। भाई सुचा सिंह जी को बेनती है कि इतों ही आप जी जो इशारा कर देंगे उदो समाप्ति कर देवे, क्योंकि मेरा यत्न यह है कि जेडे समागम के तहत आप इतने बैठे हाँ गुरु साहब को नतमस्तक होना आए हैं वो विचार आप जरूर करिए। आप क्यों बैठे हाँ महापुरखों की याद के जिन्हों का नाम आ प्यारे नाम जो लवेंगे तो अपने आप ही वाहेगुरु मूँह के निकलेगा। सारे एक बार आखो धन धन बाबा अमरनाथ जी, जेडे ने नहीं जिन्होंने नहीं आख्या फिर आख लो प्यारे धन धन बाबा अमरनाथ जी, क्योंकि आप मुगत मुगत करे संसार नानक तिस जन को सदा नमस्कार। उन्होंने सदा ही नमस्कार करो जेड़ा आप मुक्त आ संसार तो इन्हों बंधना तो छुट छुटिया होया है तो वह दूजिया प्यारे मुक्त करता है। सो रसना पवित्र कर दें आशीष देवो, क्योंकि मैं एक विचार जी मैं तैयारी की है कि अब आप जी ने सांझ पाउनी, अगे भी मैं कई बार वो विचार आप जी ने सांझी की क्योंकि जिन्ना महापुरखों के दर्शन तो नहीं किए पर जिमें सुनिया है साहिब मेरा नीत नवा। जेडे साधु जेडे ने उन्हां दी वड्याई सदा नवी रहिंदी, जेडे नामी ने जेडे नाम जपण वाले उन्हां दी वड्याई वार वार करी जलो, क्योंकि बाणी दा रूप होए हुंदे जे बाणी नहीं पुराणी हुंदी ना मैला ना धुंदला ना भगवा ना कच नानक लालो लाल है सच्चे रता सच, वो सदा ही लाल रहिंदा है प्यारे सदा उजला रहिंदा है। इस करके उन्होंने महापुरखों की विचार जी प्यारी कदम पुरानी नहीं होंगी, वो विचार मैं सांझ पाने तो आप जी की आसीस जी तुसी बख्शो, अपनी रसना पवित्र करो तो आसीस देंद्या होया प्यारे सारे आखो जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। अमृतमय बाणी सुखमी साहब जी के गुरु साहब सच्चे पातशाह जी बख्शी करते हैं, तैसा स्वर्ण तैसी उस माटी तैसा अमृत तैसी बिख खाटी, तैसा मान तैसा अभिमान तैसा रंग तैसा रजान, जो वरताए साई जुगत नानक ओ पुरख कही है जीवन मुक्त। वो जिंदियां दी मुक्त हुंदा है जिहदे अंदर आ जिहड़ी महिमा वसदी है जिहड़ी मैं हुणे आप जी नूं गुरबाणी दे अंदरों सुनाई है, वो की है कि तैसा स्वर्ण, स्वर्ण कहिंदे सोने नूं, तैसा स्वर्ण तैसी सुमाटी। कहिंदे ने उस जिहड़े महापुरख जिहड़े जीवन मुक्त ने ना जिवें बाबा अमरनाथ जी ने उन्हां दे लई सोना ते मिट्टी एक बराबर है, तैसा स्वर्ण तैसी उस माटी, मिट्टी ते सोना इको जिहा उन्हां दे लई सी। ये नहीं कि तुसी मिट्टी भांडे विच पा के ते महापुरखां नूं दे दिओ ते गाला कढ़णगे ते सोना दोगे ते वह खुश हो जाणगे, उन्हां लई सारा कुछ इको जिहा हुंदा है। हुण कहिंदे ने दस नूं ज़्यादा याद तो नहीं पर कहिंदे ने कोई बाहरों बंदा आया तो उहदे मन विच सी कि संतां नूं महापुरखां नूं मैं जाके आ उपहार जिहड़ा है तोहफा जिहड़ा सोने का भेट करा, इदां सुनिया मैं, बाकी हो सकदा मैं भुलदा हां तुसीं बख्शणा रहे हो। महापुरख कहिंदे एकांत विच बैठे सी, उहने लभिया ते चलिया गया जाके नमस्कार कीती बाबा जी नूं, उह पता नहीं सोने का कड़ा सी घड़ी सी जां किहड़ा उपहार सी उहने जो भेट किया महापुरखां नूं, तो महापुरख आ लो वो ज़्यादा जल्दी महापुरख किसी ना बोलते नहीं तो जे बोलते ने प्यारे उन्हां दी रसना दे विचों भी अमृत, उन्हां जे किसी वाल अखां चुके वेख लैन तो उन्हां दे नेत्रां दे विचों भी अमृत, ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत वरसी, उन्हां दी दृष्टि दे विचों भी अमृत वरसदा है। वह हत्थां दे नाल प्यारे कख चुक के किसी की झोली च पा दे तो कखां तो लख हो जाता है, उन्हां दे हत्थां विच भी अमृत आ, वह अमृत के नाल भरिया हुंदा है जिहड़ा नाम जपण वाला प्यारे। जदों तोहफा जिहड़ा है महापुरखां दे अगे जाके रखिया ना तो महापुरख बोले नहीं, क्योंकि अगली पंक्तियां ने कि तैसा रंग तैसा रजान, राजा भी ते गरीब जिहड़ा कंगला है उहदे वास्ते उह इको जिहे ने, इह नहीं कि राजा बड़ा उहनूं आदर दिंदे ने। उस्तत निंदा नानक जी मैं हब वजाई छोड़िया हब किज त्यागी, ये सारा कुछ वो महापुरख जिहड़े त्याग दिंदे ने, क्यों वो पल्ले लगे हुंदे मालक दे परमात्मा दे। हुण प्यारे जदों तोहफा जिहड़ा महापुरखां दे अगे रखिया ना जाके तोहफा रख के ते वेखदा रहा महापुरख वेखणगे कोई बचन करनगे नूं चुकणगे ते मेरा भला हो जाएगा,
बैठा रहा काफी समय देखता रहा। जो महापुरखा ने देखा भी ना तोहफे वाल से उठ के फिर कहता हूं चलदा नमस्कार करके तुर पिया बड़ी दूर चलिया गया। फिर उतों मन में आया कि जाके एक बार वेख लवान शायद महापुरख ने चुक के एक घड़ी है ज कड़ा है पा लिया होगा गुट में वेखदा जाके वापस गया ना जो उथे जाके की वेखदा कि घड़ी महा कि घड़ी महापुरखा ने चुकी है कि नहीं घड़ी की चुकनी सी घड़ी उथे जी उथे ते महापुरख उथे आए ने उथे छड़ के चले गए क्योंकि उन्होंने इन पदार्थों का लालच नहीं पिया रहे जिन्हें असि लोग सानू कोई पूछे ना जब मान लो आप कहने सानू रब प्यारा है तो मैं कहना वा इतने एक पासे रब बिठा दो एक पासे माया दे पांड बन दो आप पहला माया नू चुका जेडे संसारी लोग ने उन्होंने माया ज्यादा जो प्यारे जी जरूरी होंगी है वो ये समझते हैं कि माया के नाल सुख है पर जे रब के भगत ने साधु जन ने कहते हैं परमात्मा के नाम के सुख है नाम के रस है परमात्मा का जोड़ा नाम है ये प्यारे अमृत प्राप्त होंगे तो ये सारिया भुखा जोड़िया मानदिया मिटदियां दुनियावी माया जी है क्योंकि गुरबाणी में गुरु साहब कहते हैं भगत तै संसारिया जोड़ कदे ना आया जेडे भगत जन साधु जन ने जे संसारी ने इन्होंने बराबरी नहीं हो सकती जिम्मे कई लोग कह देंगे रब न भी व्यक्ति बना देंगे कि रब कोई आम व्यक्ति है तो याद रखियो प्यार जरा व्यक्ति है वो एक समय एक जगह रह सकता मान लो मैं अगर तुम बैठे हो एक समय से एक जगह रह सकते हो पर रब जरा घट घट के वसद जल थल महल पूरिया स्वामी सृजनहार अनेक भांत हुए पसरिया नानक एक अंकार एक परमात्मा जोड़ा अनेक भांतों के थां थां पसारा वह पसरिया हो परमात्मा का हम प्यारे जो महापुरख जोड़े ने भगत जोड़े ने उन्होंने संसारियों के जोड़ा प्यार बड़ा अंतर रहा जोड़े महापुरख ने तो प्यारे चाहते ने नाम का रस जैसे जो उन्होंने जीवन की शुरुआत भी होंगी है ना साधुओं की उन्होंने कमाई भी प्यारे आरंभ होंगी है साढ़े वागू कमाइया तो पर उन्होंने यह सूझी मिल जाती है परमात्मा की प्रभु की कृपा के नाल कि सुख जोड़ा है नाम के जिन्हें बाबा फरीद साहब जी का वचन है क्योंकि मैं आप गुरु साहब के चरणों में जुड़े हैं तो गुरबाणी का वाक है कि जिन्हें संतान की सेवा करनी है सारे नोट कर लो प्यारे जिन्हें भी संतान की सेवा करनी है जो चाहते साधु की सेवा करनी गुरबाणी की कहती कि करो संत की सेवा नाम भैया तो महाराज ने आख्या नाम कुल कश अवर ना हो नाम के बराबर कोई होर वस्तु नहीं हैगी तो संतान की तुम सेवा करनी चाहते हो नाम ध्याओ प्रभु का सिमरन करो वो संतान की वड्डी सेवा है। तुम पिछले प्यार बेअंत ही दिनों तो आप जी को पता है कि किवें गुरबाणी का निरंतर जाप जरा चल रहा है वो जरा जाप तो इतने जो पंडाल सजा कहते वास्ते है कि असी गुरु का ज्ञान लैके तो नाम के नाल जुड़ जाइए तो बाबा फरीद साहब जी कहते हैं बाणी के अंदर महापुरखों का वचन ही कहते मैं भी संसार के पदार्थ चखदा सा कि खंड जी बड़ी मिठी है ये मिलनी चाहिए पैसे जोड़े ने मझ का दुध जोड़ा सारा कुछ बड़ा मिठा है पर कह लगे जो तो मैं देखा फरीदा शक्कर खंड लवात गुड़ माखियो मझ या दुध कहते सारा कुछ मैं जो वेख्या सबे वस्तु मिठिया सारिया बड़िया मैं वधिया लगिया मिठिया लगिया पर जो रब के नाम का रस चख के वेख्या ना सबे वस्तु मिठिया रब ना पुजन तुद तेरे नाम के बराबर यह वस्तुआं नहीं पहुंचदिया जड़िया वस्तुआं ने तेरे नाम के बराबर नहीं पहुंचदिया प्यारे साधु जोड़े ने आप करते ने ते दूसरों नहीं तारते इना समा नहीं प्यारे कि महापुरखों दचार जड़िया ने आप होर भी साखियां छेड़िए पर जो अब एक होर बेनती मैं प्यारे आप जी कर देना चाहना जो इतिहास के नाल भी प्यारे जुड़ी हुई है अगर जब दो चार